नहीं बचाएगा, बेटे नहीं बचाएगा, सारी दुनिया है और सारी दुनिया ये सुन ले, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं गैरमंद हूँ, मेरे बेटे मेरी बेटियाँ। जहाद करते रहे,
या कोई और भी रास्ता है। मुझे याद आ रहा है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों के लिए एक लंबा मगर कॉन्स्टिट्यूशनल और सियासी रास्ता तजवीज किया। कन्फ्यूजन था, इसी तरह की बेचैनी थी, इसी तरह के मामला थे, तो मुझे खुशी होती कि स्टूडेंट्स भी कोई नए रास्ते तजवीज करते हैं, कोई नई राह ढूंढते हैं। यहाँ पे मौजूद स्टेज पे लोग भी स्टेज पे जो लोग हैं इनसे भी तो है कि सिर्फ हमदर्दी के लोग बोल बोलने से या ट्रैवल करने से या नारे लगाने से जज्बातियत से मसले हल नहीं होते। बहुत शांति देखे, बहुत कम उठा चुके, बहुत सब कुछ हो चुका है। बराह करम इनोवेशन, नई चीज, नया रास्ता, अमन के जरिए कोई हल, कोई ऐसी तजावीज, कोई सियासत, कोई डिप्लोमेसी, कोई ह्यूमन राइट, कोई ऐसी बातें भी करें ताकि कोई रास्ता नजर आए। आज का ये दिन
कश्मीर के हवाले से कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का दिन है। आज हम कश्मीरी क़यादत को ये बताएंगे कि ये मसला आपका मसला नहीं है, ये हमारा मसला है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, निजाम साहब को, महेंद्र पाल सिंह साहब को और यूनिक ग्रुप को, इंस्टीट्यूशन को खास तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप जिस तरह इन्होंने मिलकर ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट के साथ आज हमने वो जो हमारे 8 मिलियन कश्मीरी वहाँ पे जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं उनकी साथ इस हारी आजादी के तौर पर हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं काफ़ी बातें मेरे दोस्तों ने सैयद बुराय साहब ने, आरफ रजावी साहब ने, रहना मलिक साहब ने बहुत सारी बातें की, लेकिन मैं चंद बातें आपसे इस हवाले से करना चाहता हूँ। जिस तरह सैयद बुराय साहब ने फरमाया कि हमें और भी रास्ते ढूंढने होंगे जंगलों से, यकीनी तौर पर ये मैं बात दुरुस्त मानता हूँ कि पूरी दुनिया में कभी भी जंगलों से मुझे पता नहीं होंगे और बड़ी बड़ी सुपर पावर्स ने ये प्रैक्टिस करके देख ली है, लेकिन सिफारसी सतह पर हमें जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तो इस बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को तहे दिल से, पूरे आपके ऑर्गेनाइजेशन को और ख़ास तौर पे चेयरमैन UGI प्रोफेसर अब्दुल मनान साहब, प्रोफेसर वसीम साहब, एजाज आलम साहब, मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स डॉक्टर इरशाद साहब, सेक्रेटरी गवर्नमेंट पंजाब सरदार महेंद्र पाल साहब और जो बहुत ही लेजेंडरी आरिफ निज़ामी साहब, हमारी शुरू से कश्मीर कॉज के लिए इनकी बहुत कुर्बानियाँ थी, इनकी इंस्टीट्यूट की आपका जो फॉरम होता था लगाया होता और उसमें बहुत से कुरियत रहनुमाओं को भी वहाँ जा गए और एड्रेस किया, और सुनील बड़ाई साहब जो यहाँ पे नहीं है नवाब और all the students over here, all the girls and boys, to all the dignitaries sitting here, I am really really grateful to all of you and to the entire Pakistani nation, aur khaas taur pe har saal ki tarah is saal bhi UNI group of educational institutes ne jis tarah ki jo ye event organize karaya hai, itni huge participation hoti hai students ki, and jab bhi main yahan aati hu, साल पहले भी मैं यहाँ आई थी तब भी बहुत ही मेमोरेबल। लेट्स स्ट्रोल इनटू द गार्डन्स ऑफ हेवन, दे से इज इट लाइफ और अ टेम्पेस्ट वाइल्ड डे, द ऑक्यूपायर्स ग्रीव, द ऑक्यूपायर्स नो, माय ग्रीव इज माय कश्मीर, बी इट हर्ड अफार बट नेवर नो, इफ दो सीक हेवन ऑन अर्थ गो विटनेस that beauteous beyond all praise, a place called Kashmir without the veils and curtains raised. My shattered eyes are a sight to see, what a heaven coffined by griefs. These nameless graves of today were bustling crowds of yesterday, gone too soon, gone too far where they lay. Oh mankind, now what to say? Have our turn and go away. The stains of their blood are alive, draining from every park and street. My countrymen have left for their grave without the arrow or the roar. In their hearts, just a woe. Days to months to years they passed without the sight of your glance. Then a martyr came in my dreams. Said,
Don't tell my wailing mother I have died. For this life is but one night, rest awaits the dawn of light. Even the doom cannot shake thy glory of the soul. He who lies at the fountain of love is thy martyr. Through roaring freedom from the streets and facing lashes of the tyrant's heat, who whips our weakly bodies with darts and tears our hearts, and to the helms of the mighty hands that twirl our necks and bows till the blood trickles into the ground. Torture, trouble, mockery, slavery at every mile, who all have suffered in this trial. What liaison can we have with the budding flowers they say? One moment pencils and books, the next pellets and ether. Oh my Asifa, we are ashamed to call this earth your shining grave, where you couldn't dance nor play to the joys of innocence that day. The beasts were feasting on your hues and cries, and the temple bells wailing your helpless sighs. The tyrant that feels proud today for wearing thy crown, who knows, Mashal, in this battle of swords and hearts, tomorrow it may forever drown. Thank you very much. One slogan, one cry. Dil-dil Pakistan, Jaan-Jaan Kashmir. Dil-dil Pakistan, Jaan-Jaan Kashmir. Thank you. एक रीत है, रिवायत है कि हम अपने आने वाले मोदी समाधान की किस्मत के उम्मीद के सूर्यस्त पेश करते हैं और